नेशनल इलेक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इस इजलास में शरीक होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यासिर मलिक। यासिर, इजलास के एजेंडे बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, नेशनल इलेक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास जो है वो आज होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी व सिविल हुकाम जो है वो शरीक होंगे। चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। एक तो इस इजलास में जो वजारत दाखिला के हुकाम हैं वो शरीक होंगे और इंटेलिजेंस के इदारों के जो सरबराहान हैं वो भी और नुमाइंदगान जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उनके ऊपर तबादले ख्याल किया जाएगा और उनकी रोकथाम के लिए एक हिकमत अमली जो है वो आज मुरतब की जाएगी और सूबों की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए और इसके साथ साथ जो रवाबित हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी आज तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब तक जो हालिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं उनके ऊपर भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको एतमाद में भी लिया जाएगा, उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें अब तक होने वाले जो नुकसान हैं उनके हवाले से भी आज के इस एपिक्स कमेटी के इजलास में शुरका को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का जो इजलास है वो आज दोपहर 3 बजे होगा। इस इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज के इस इजलास में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यासिर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।